तो बारोदा उपचुनाव में अब नया मोड़ आ गया है। अब बारोदा चुनाव में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने का दावा भी कर दिया। उपचुनाव से पहले बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच एक गठबंधन की जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां मिलकर इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगी। फिलहाल चुनाव जीतने का दावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बारोदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई। मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने का दावा किया। सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, दोनों ही दल अब साथ मिलकर बारोदा उपचुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। बिल्कुल साकिन बच्चे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है गोहाना पहुंचे थे। बारोदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि दोनों पार्टियों का प्रदेश में गठबंधन है और बारोदा उपचुनाव के दौरान भी जो है दोनों पार्टी जो है गठबंधन के साथ लड़ेगी। खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है और जीत का दावा भी, यहाँ बारोदा उपचुनाव को लेकर जीत का दावा भी किया है। देखिए, सबसे पहले आज मुख्यमंत्री गोहाना के जो है भगतपुर सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे। वहां पर जो है हालात का, स्थिति का जायजा लेते हुए डॉक्टरों से जो है एक बैठक की है। उसके बाद जो है सोनीपत जिले में 4,38,00,000 की लागत से बनने वाली व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया है। और उसके बाद जो है मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए, बारोदा उपचुनाव होना है, बारोदा उपचुनाव को लेकर पार्टी तैयार है और प्रदेश में जो है दोनों जेजेपी और बीजेपी पार्टी का गठबंधन है और दोनों ही जो पार्टी जो है गठबंधन के उस पर जो है चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में बारोदा उपचुनाव की जीत का अपनी दावा मुख्यमंत्री ने यहाँ किया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।